इडली और डोसे के साथ खाए जाने वाली इंस्टेंट नारियल और चने दाल की चटनी। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए चटनी बनाने की रेसिपी देख लेते हैं। चटनी बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन लिया है और पैन में एक चम्मच तेल डालेंगे और इसे गर्म होने देंगे और इसमें एक कप चने की दाल डालेंगे। चने की दाल डालकर चने की दाल को हम मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से मिलाते हुए भून लेंगे, जिससे चने दाल बहुत ही अच्छे से भुन जाएगा और चने दाल का कलर भी चेंज आने तक हम इसे अच्छी तरह भून लेंगे। और अब हम इसमें दो हरी मिर्च डालेंगे, तीन से चार यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लिया है। हम इसे भी तेल में डालकर चलाते हुए हम इसे कंटिन्यू मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। चने दाल को मीडियम फ्लेम पे भूनते हुए 2 मिनट हो गया है और ये देखिए चने दाल का कलर भी चेंज हो गया है। और हमें इससे ज़्यादा चने दाल को नहीं भूनना है, नहीं तो चने दाल जल जाएगा और इसका स्वाद भी कड़वा हो जाएगा और चटनी का फ्लेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो हमें इसे इतना ही भूनना है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और चने की दाल को हम कटोरी में निकाल लेंगे, जिससे ये जल्दी ठंडा हो। चटनी बनाने के लिए हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और ग्राइंडिंग जार में चने की दाल को डालेंगे। ये देखिए चना दाल हमारा ठंडा हो गया है और अब हम इसे ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और इसमें बारीक कटा हुआ नारियल भी डालेंगे। चटनी बनाने के लिए हम इसमें एक टुकड़ा अदरक का डालेंगे। चटनी बनाने के लिए नारियल को हमेशा इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले और अब हम इसमें स्वाद अनुसार या आधा चम्मच नमक डालेंगे। चटनी में खटास के लिए हम यहाँ पे 2 से 3 चम्मच नींबू का रस डालेंगे। जार का ढक्कन लगा करके हम इसे पीस लेंगे और ये देखिए चटनी को यहाँ मैंने दरदरा पीसा है। और अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे। पानी डालकर जार का ढक्कन लगाकर हम इसे बारीक या महीन पीस लेंगे और ये देखिए चटनी हमारी बनके तैयार हो गई है। और अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे या ट्रांसफ़र कर लेंगे। चटनी को यहाँ मैंने निकाल लिया है और अब हम तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए तड़का पैन लेंगे और तड़का पैन को गर्म होने देंगे। तड़का पैन गर्म हो गया है, हम इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म हो गया है, हम इसमें 1/4 चम्मच सरसों के दाने डालेंगे। सरसों के दाने डालकर हम इसे चटकने देंगे। तड़के में 1 सूखी लाल मिर्च इस तरह तोड़कर डालेंगे और इसमें 1/2 चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे। तिल से चटनी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप इसमें तिल ज़रूर डालें। 4 से 5 कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ता डालकर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और चलिए अब हम चटनी में तड़का लगाएंगे। चटनी में तड़का लगाकर हम चटनी को चम्मच से अच्छे से मिला लेंगे और ये देखिए चटनी का बर्तन हमारा गर्म है, तो आप इसे अच्छे से मिला लें। और ये देखिए हमारा चटनी बनके तैयार हो गया है। आप भी इस तरह से चटनी घर पे ज़रूर बनाएं। और अब हम इसे इडली के साथ सर्व कर लेंगे। इडली और सांभर का रेसिपी मैंने YouTube चैनल पे डाल रखा है, मैं उसका लिंक दे दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। और आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलती हूँ मैं आप सभी से अगले रेसिपी में।